पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुक करते हैं मुख्य खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में सियासी उठापटक तेज। राज्यपाल से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायक, सीएम अशोक गहलोत के साथ पहुंचे विधायक। बता दें आपको कि चार बसों में सवार होकर विधायक राजभवन पहुंचे हैं। गहलोत ने विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की। राज्यपाल नहीं माने तो धरना देंगे, ये कहना है अशोक गहलोत का। राजस्थान की जनता हमारे साथ है, प्रताप सिंह का ये बयान सामने आया है। पायलट समेत 18 बागी विधायकों को फिलहाल हाईकोर्ट ने राहत दी है। तो राजस्थान में सियासी उठापटक अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने धरने की चेतावनी दी है, सत्र बुलाने की मांग की थी अशोक गहलोत ने, जिसके बाद विधायकों के साथ पहुंचे और धरने की चेतावनी दी। आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और उन विधायकों के साथ पहुंचे जो इस वक्त उनके समर्थन में हैं। चार बसों में विधायक सवार होकर सीएम के साथ पहुंचे राज्यपाल से मिलने। ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपने अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसको आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। राजेंद्र सिंह जादौर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं राजस्थान से। राजेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, वो आगे क्या होगा इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और ऐसा ही सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा, उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि अगर राजस्थान की जनता राजभवन का घेराव करेगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि जब एससी का सुबह जो है स्टे ऑर्डर हुआ उसके बाद से राजनीति गर्मा सी गई है। इसके बाद जो है गहलोत अपने समर्थक विधायकों के पास चार बसों में भरकर जो है राजभवन जो है राज्यपाल का जो है घेराव करने के लिए, या जो भी कहा जा सकता है कि अपने विधायकों का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जो है राज्यपाल ने जो है उनसे अभी तक मुलाकात नहीं की है। तो अब जो है गहलोत ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है कि अगर कल को आम जनता राजभवन को घेरती है तो वो जिम्मेदारी अब सरकार की नहीं होगी, वो राज्यपाल की स्वयं होगी। तो इस तरीके की जो बयानबाजी आ रही है ये कहीं ना कहीं राजनीति जो राजस्थान की है वो गर्माती हुई दिख रही है। शतरंज की पूरी बिसात जो है वो पूरी बिछ चुकी है। अब सिर्फ फैसला इस चीज पे टिका है कि कोर्ट जो है जो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, अब जब उसका फैसला आएगा तब जो है कि सरकार किसकी रहेगी, गहलोत सरकार बचती है या जाती है, इसका फैसला अब थोड़ा सा जो है आने वाला वक्त बताएगा ही ना। राजेंद्र, एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर जो है उजागर हो रहा है वो ये कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से COVID-19 नामक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, आंकड़े इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि आम जनता के मन में इतना डर है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कमाए क्या, खाए क्या, बचाए कैसे जिंदगी। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ हमें बिहार में इलेक्शन की सरगर्मी देखने को मिलती है, एक तरफ राजस्थान में सियासी उठापटक, एक तरफ राजस्थान में विधायक जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, जनता का राजभवन घेराव करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। तो क्या समझे जनता, कि राजनीति ज्यादा जरूरी है या राजनेताओं के लिए देश की जनता की जान ज्यादा जरूरी है? इस तरीके से राजनीति के साथ जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार में भी चुनाव है वहां की भी बात हो, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है गरीब जनता के साथ और मध्यम वर्गियों के साथ के अन्याय जो हो रहा है, क्योंकि अब लोगों के पास रोजगार नहीं बचा है। और एक तरफ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी राजनीति के कुछ ऐसे हथकंडे अपना रही है जिससे कि कई राज्यों में जो है इस कोविड से लड़ने की जगह जो है राजनीति फायदा उठाया जा रहा है कोविड के नाम पर।
और राजन बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ गरीब जनता के पास खाने को नहीं है, दूसरी तरफ जो युवा है वो पूरी तरीके से बेरोजगार है, तीसरी तरफ हम देख ही रहे हैं देश में किस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। बातचीत हो रही है तो वो इस मुद्दे पर हो रही है कि राजस्थान में अब अशोक गहलोत सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, बिहार में चुनाव कौन जीतेगा, अभी इसकी चिंता देश की जनता को नहीं है। देश की जनता को अपनी जान की चिंता है, अपनी कमाई की चिंता है। देखिए, राजनीतिक उठापटक जो है, राजनीतिक गलियारों की जो उठापटक है, राजनेताओं को हमेशा से जो है, जहां जनता चुनती है जिस राजनेता को, वो राजनेता आज उन्हीं के साथ नहीं खड़ा है। 5-5 साल विधायक पहले भी नहीं नजर आते थे, अब भी नजर नहीं आते, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी जेबों से मतलब है, अपनी सुरक्षा से मतलब है, अपने मंत्री पद से मतलब है। आम जनता जाए भारत में सिर्फ वोट की राजनीति करना बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको मालूम है कि जनता जो है उनको 5 साल बाद वापस चुनकर लाएंगी। आज जनता की हालत हीना बहुत ही नाजुक है, इस दौर से जनता गुजर रही है कि कई गरीब परिवारों के पास आज खाने को नहीं बचा है, बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में बेरोजगारी जो है 62.5% बढ़ चुकी है, जिसका आंकड़ा एक आम आंकड़े से भी तिगुना जो है बढ़ चुका है। लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के पास अब नौकरियां नहीं है कोविड के चलते, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, मालिकों के पास पैसा नहीं है लोगों को देने के लिए, इसलिए लोगों को निकाला जा रहा है। पर इन राजनेताओं को अपनी राजनीति करनी है, इनको जनता से कोई लगाव नहीं है। जहां गहलोत ये कह रहा है कि जनता घेराव करेगी राजभवन का, जनता घेराव तब करेगी जब आप जनता को कुछ देंगे, तब जनता घेराव करेगी। हालांकि ऐसे कोई आसार बनते राजस्थान में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जनता सब अब जान चुकी है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।